हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, नेपाल सेज नो टू चाइना सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब क्या हो गया नेपाल और चाइना के बीच में, देखते हैं। नेपाल ऑन ट्यूसडे अपीयर टू रिजेक्ट कॉल फ्रॉम चाइना टू जॉइंट प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, बट एग्री टू टेक फॉरवर्ड एम्बिशियस क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमाल दलाल, जिसको ये है प्रचंडा टू बीजिंग। ठीक है, ये बात हो रही है। इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई आपका जो सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, हमें नहीं मतलब। अच्छे ही बोल दिया, हमें भी नहीं मतलब। अ लेंथी जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय टू साइड्स ऑन आउटलाइंड अ नंबर ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बट फेल टू मेंशन जीएसआई। द नेपाली साइड सपोर्ट द ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जीडीआई प्रपोज्ड बाय चाइना एंड विल कंसिडर टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ जी डी आई, द स्टेटमेंट सेड। ऐसे स्टेटमेंट में इन्होंने देखो आपके ये जी एस आई का मैंशन नहीं है, पर जी डी आई का मैंशन है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और बोला है कि उसके ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे। इट ऑल्सो नोटेड दैट 2017 एग्रीमेंट ऑफ बोथ साइड टू कॉपरेट अंडर मिस्टर जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सेइंग दे वुड एक्सिलरेट कंसल्टेशन टू फाइनलाइज द टेक्स्ट ऑन द ऑलरेडी डिलेड बी आर आई इम्प्लीमेंटेशन प्लान एट दी अर्ली डेट। तो बी आर आई आपका रोड इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, द जी डी आई एंड जी एस आई एंड ग्लोबल सिविलाइज्ड इनिशिएटिव जी सी आई आर थ्री की न्यू इनिशिएटिव प्रपोज बाय मिस्टर जी दैट विल अंडरपिन चाइनाज फॉरन पॉलिसी ड्यूरिंग हिज थर्ड टर्म। तो देखिए, जी डी आई, जी एस आई, जी सी आई, सिविलाइज इनिशिएटिव, डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सिक्योरिटी इनिशिएटिव, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया गया है, इसके लिए हाँ बोल दिया गया है। देखते क्या है। अ जॉइंट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द केयरफुल बैलेंस एक्ट फ्रॉम काठमांडू विच हैज मेड मेड इट क्लियर मेड क्लियर इट विल वर्क विद चाइना ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बट टेक कॉशियस अप्रोच ऑन मैटर रिलेटिंग टू सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो भाई ये लोग भी डरे हुए हैं, ये लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, ये भी एक कंट्री ही है, छोटे हैं तो क्या हुआ, कंट्री ही है। तो ये डेवलपमेंट के लिए तो इन्होंने हाँ है इनका, पर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी इशू के लिए ये बहुत सोच समझ के बात कर रहे हैं। जॉइंट इंस्पेक्शन, नेपाल डिड रीअफर्म इट्स कमिटमेंट टू चाइना ऑन टिबेट एंड सेड इट विल नेवर अलाउ एनी सेपरेटिस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट चाइना ऑन नेपाल सॉइल। तो साहब बोल दिया कि यहाँ पे हम ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। चाइना फॉर इट्स पार्ट सेड इट फर्मली सपोर्टेड नेपाल इन अपहोल्डिंग इट्स इंडिपेंडेंस, सॉवरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, अरे बेवकूफ़, अभी तो कुछ दिन तुम नेपाल को अपने मैप में दिखा रहे थे, मतलब इसको एक हिंदी में एक शब्द है, ये अश्नीर ग्रोवर ने फेमस किया है। ठीक है, ये है आपका चाइना। ठीक है, आप ये बोलो चाहे ये बोलो इंटरचेंजेबली, जैसे इंडिया भारत वैसे ही चाइना दोगला। तो ठीक है, वाइल नेपाल रीअफर्म्ड फ्रॉम इंडोसिंग द जीएसआई इन स्टेटमेंट इट डिड अपियर टू एग्री टू सम एलिमेंट्स ऑफ द काइंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एनविसेज बाय द इनिशिएटिव। द जॉइंट स्टेटमेंट सेड बोथ विल अंडरटेक जॉइंट इंस्पेक्शन ऑफ चाइना नेपाल बाउंड्री एंड एग्री दैट लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू द सिक्योरिटी ऑफ टू कंट्रीज एज वेल एज टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स फॉर्मेशन एक्सचेंज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉपरेशन ऑन ट्रेनिंग बिटवीन देयर लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन। द जॉइंट स्टेटमेंट ऑल्सो आउटलाइन द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स दैट नेपाल एंड चाइना आर वर्किंग ऑन इंक्लूडिंग द फ्लैगशिप क्रॉस बॉर्डर रेलवे, इतना इतना लैसा तो काठमांडू यहाँ का कैपिटल आपका, दैट वॉज वंस डिमिनिश्ड बाय द मोस्ट ऑब्जर्व एज अनफीजिबल। ठीक है, दे एग्रीड टू स्ट्रेच देयर कनेक्टिविटी इन एरिया सच एज पोर्ट्स, रोड, रेल, एयरवे एंड ग्रिड, इतना ठीक है। दे वेलकम द ओपनिंग ऑफ लीजी नुचांग पोर्ट एंड द री ओपनिंग ऑफ जांगमो खासा पोर्ट टू पैसेंजर सर्विस एंड एग्री टू मेंटेन कम्युनिकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ पोर्ट सच एज चेंग, इतना ये अपने पोर्ट्स की बात हो रही है, बीजिंग की हमें नहीं। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी किया। जॉइंट स्टेटमेंट ऑल्सो एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन ओवर द प्रोग्रेस ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ जियांग, इतना क्रॉस बॉर्डर रेलवे एर्थ वर्किंग मीटिंग ऑन चाइना नेपाल कोऑपरेशन विल शॉर्टली हेल्ड इन विजन विल सून बिंग इनिशिएटिव टू ट्रेन नेपाल रेलवे प्रोफेशन ड्यूरिंग द विजिट। नेपाल ऑल्सो अनाउंस इट वुड प्रोवाइड चाइना विद अ पेयर ऑफ यूनिक
यूनिकॉर्न राइनोज, यूनिकॉर्न राइनोज यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इनवोकिंग बीजिंग्स पांडा डिप्लोमेसी एज अ गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पीपल टू नेपाल टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ चाइना एज अ सिंबल ऑफ लास्ट लॉन्गिंग फ्रेंडशिप बिटवीन दी टू कंट्रीज। ठीक है, और चलिए इसमें अब देखते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे लिए सबसे पहले क्या, चाइना का दोगलापन तो इम्पोर्टेंट है नहीं, तो देखो क्या है, GSI हो गया, सिक्योरिटी इनिशिएटिव, GCI हो गया आपका सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, और GDI हो गया डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये इन लोगों का तीन, चाइना का ये तीन है, इसी के ऊपर इन लोगों को काम करना है ये शी जिनपिंग के थर्ड टर्म में। और आप देखो पांडा डिप्लोमेसी, पांडा डिप्लोमेसी ये चाइना का है, पांडा देते हैं ये लोग, और ये यूनिकॉर्न राइनोस दे रहे हैं, एक हॉर्न वाला, इसका एक हॉर्न होता है वो राइनो, ये नेपाल देगा किसको, चाइना को। ठीक है, इसमें बस यही बात हो रही है हमारी, चाइना बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस सॉवरिटी का ख्याल रखेगा इसका, पर कैसे रखोगे, तुम तो मैप में इसको अपना पार्ट दिखाते हो, और इन्होंने इंश्योर करवाया है कि हमारे यहाँ पे कोई एंटी चाइना एक्टिविटीज़ ऑन नेपाल सॉइल विल बी प्रोहिबिटेड बाय नेपाल गवर्नमेंट, ऐसा इन्होंने बोला है। और आप देखिए क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बस इसके पोर्ट्स वगैरह है अपनी हो जाए याद तो बहुत है, तो इनके कहाँ से करेंगे, अब आगे एक क्वेश्चन तो छोड़ दो, ऐसा कोई याद तो नहीं हो रहा हमें। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।